नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीनदयाल साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक युवक ने अपने 2.5 साल के बच्चे के सामने ही पत्नी की हत्या कर दी। दोनों के बीच खाना खाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद वे लड़ते हुए बाड़ी में पहुंच गए, जहां पति ने गमछे से महिला का गला दबा दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वह गांव छोड़कर भागने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक खुड़मुड़ा निवासी खारून सोनकर की करीब 4 साल पहले किरण सोनकर से शादी हुई थी। दोनों का 2.5 साल का बच्चा भी है। एएसपी अनंत साहू ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद होता था। शनिवार दोपहर को भी दंपत्ति के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद खारून ने गमछे से किरण का गला दबा दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद खारून वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब आरोपी का चाचा वहां पहुंचा तो हत्या का पता चला। बाड़ी में शव पड़ा देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं गांव से भागने की फिराक में पुलिस ने आरोपी को इलाके से ही पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।